फतह मक्का का दिन है। आप जानते हैं कि हुजूर के पीछे एक बच्चा बैठा था, हुजूर का रदीफ, जो खुशी से उछलता था। बड़ी खुशी का दिन था, लेकिन मेरे हुजूर का सर इज्जत से झुका हुआ था, हत्ता के इमामे का कोर ऊंटनी की कुहान के साथ लगता था। लेकिन वो बच्चा था, नौ उम्र था, वो उछलता था खुशी से, तो हुजूर से रोकते थे, फिर वो उछलता था, फिर रोकते थे। वो बच्चा कौन था? तारीख में ढूंढे, नवासा नहीं है, किसी अंसारी सरदार का बेटा नहीं है, किसी कुरैशी सरदार का बेटा नहीं है, हुजूर के खानदान का कोई फर्द नहीं है। हमने तारीख ढूंढी तो वो हुजूर के आजाद करदा गुलाम और मुंह बोले बेटे जैद बिन हारसा का बेटा उसामा बिन जैद है। फतह मक्का के दिन अपने साथ जिसको बिठाया वो गुलाम ज्यादा था, दुनिया को बताया मोहम्मद अरबी गुलामों को इज्जत देने आया है। एक गुलाम को यहां अपने साथ सवारी पर बिठाया, दूसरे को काबे की छत पर चढ़ा दिया। बिलाल हबशी को कहा यहां खड़े होके अजान पढ़ो। अल्लाह अकबर, कहां बिलाल, मक्के की गलियों में जुल्म और जबर, जोर और ज्यादती का शिकार होते थे, चक्की पिसवाई जाती थी और जिस्म में मेखें ठोंकी जाती थी, और जिल्लत और रुसवाई के गड़े में उनको धकेल दिया था कुफार ने। आज वही गुलाम, वही बिलाल काबे की छत पे खड़ा होकर अजान दे रहा है। अल्लाह अकबर, मैं यहां खड़े होकर अजान दूं तो रुख करूंगा किबले की जानब, और जब काबे की छत पे खड़ा हूं तो फिर जिधर रुख करूं उधर ही तो किबला होगा। अब बिलाल अजान दे रहे हैं, रुख किधर किया? हुजूर तवाफ कर रहे थे, बिलाल अजान दे रहे थे, जिधर जिधर हुजूर फिरते वो भी रुख फिरते चले जाते। इकबाल बोले अजां अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, अजां अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो उसकी दीद का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। कैसा रंग था, कैसा जमाल था। तो वो तबके जिनको कोई पूछता नहीं था उनको इज्जतों की मसनद पर बिठाया। गुलामों को तो बेड़ियों में जकड़ के लाया जाता था, इंसान इंसान के ऊपर हाकिम बना हुआ था और इंसान की तजलील होती थी। और मेरे हुजूर काबे से मुखातब होकर कहते हैं कि तेरी बड़ी इज्जत है, लेकिन फरमाया कि मुसलमान की इज्जत आबरू और उसका खून तेरे से ज्यादा कीमती है। ये सबक दिया, ये दरस दिया, तो भटकी हुई इंसानियत को सुरागे जिंदगी मेरे हुजूर ने अदा किया। तो इसलिए आज मैं और आप इसका शुक्राना अदा करते हैं, और अल्लाह के हुजूर लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें उस नबी का गुलाम होने का शरफ और एजाज नसीब हुआ। तो फिर उनकी तस्करों और उनकी मोहब्बतों की खुशबू बखेरेंगे, उनके जिक्र की महक से मशाम हस्ती को क्यों मुअत्तर नहीं करेंगे, उनका तस्करा नूर भी करेंगे और उनके बताए हुए तरीका को इख्तियार करके अपनी जिंदगी को भी नूर नूर करेंगे। आज एक तरफ हम अपने घरों पर चरागा करते हैं, तो मैं कहता हूं कहीं ये चरागा बनेरों तक महदूद न रह जाए। कोई दिया लेके दिल नगर में भी आओ, कहीं दिल की गलियों में अंधेरा न रह जाए। तुम गलियों में तो झंडियां लगा दी, कहीं दिल की गलियां वीरान न रह जाएं। आओ कोई झाड़ू लेके दिल की सफाई भी करो, तुम्हारा अंदर भी सुथरा हो, तुम्हारा बाहर भी सुथरा हो, फिर मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़ो। यारी ला तू पाक नबी संग ऐ पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख नालों एक बारी। उनका तर्ज जिंदगी रूह में जज्ब कर लीजिए, उनके बताए हुए तरीकों को अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। तो हम अगर अपनी पहचान हुजूर के नाम से करवाते हैं, और हमारी सारी पहचान है ही उनके नाम से, तो फिर हमारा अमल भी उसकी गवाही दे, हमारा रवैया भी उसकी गवाही दे, हमारा तर्ज जिंदगी भी उसकी गवाही दे। आज भी अगर इस्लाम का दामन पकड़ो, वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, मेरे रब ने वादा दिया है, काफिर लगते क्या है, तुम मोमिन बन के दिखाओ इज्जतों का ताज तुम्हारे सर पर रख, लेकिन तुम तन आसान हो, तुम ख्वाहिशात के बंदे बन गए हो, आरज़ुओं के गुलाम बन गए हो, और नेमतें वो मांगते हो जो बदर और ओहद के सहाबा को अता की गई। कहां कैसे तुम्हें वो नेमतें मिलेंगी? पहले अपने आप को साबित तो करो कि हम इनके अहल हैं, और जब अपनी अहलियत साबित करोगे तो रहमत की बरखा बरसेगी, और इतना करम होगा कि तुम्हारे दामन तंग नजर आएंगे और तुम बरसते फूलों को समेट नहीं पाओगे। लेकिन अफसोस के तुम तलब वो करते हो, वो एक बड़ा मारूफ जुमला है कि लोग जो है वो जिंदगी यजीद की जीना चाहते हैं और मौत हुसैन की मांगते हैं। साहब ऐसा नहीं होता, अगर हुसैन इब्ने अली जैसी जिंदगी गुजारेंगे तो फिर उनके मरातबे रफिया का हिस्सा नसीब होगा, लेकिन अगर हम अपनी ख्वाहिशात की जिंदगी गुजारेंगे और कहेंगे कि हम चूंकि मुसलमान होते हैं लिहाजा सारी नेमतें हमें दी जाएं,
हम झूठे हैं, हम मक्कार हैं, हम दो नंबर माल बेचते हैं, हम जो चाहें करें, हम वादा खिलाफी करें, लेकिन सारी इज्जतें हमारी झोली में होनी चाहिए, मुसलमान जो होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका वादा है तुम मुसलमान अमलन बन के दिखाओ, इज्जतों का ताज तुम्हारे कदमों तले होगा। यार आज तो तुम 1 अरब 40-50 करोड़ हो, वो जमाना भी था जब तुम्हारी तादाद सिर्फ 313 थी और तुम्हारे पास तलवारें भी टूटी हुई थी, लेकिन हमने तुम्हें वो इज्जतों की मसनद दी कि जमाना तुम्हारे ऊपर रश करता था। तो आज अगर तुम उसके हो के दिखाओ और उसके बन के दिखाओ तो मैं तुम्हें इज्जतों के ताज पहना दूंगा।